नमस्कार भाइयों, जिन लोगों के पास इक्को गाड़ी है वो ज़रा ध्यान दें, और जो मैकेनिक भाई जो है जो इक्को का काम करते हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि जो बैटरी है इसके पॉजिटिव टर्निवल पे एक कवर होता है, तो इसे प्रॉपर तरीके से लगाएं। इसको अगर ऐसे खुला छोड़ दिया आपने तो जो सीट है ये एल्यूमिनियम है, इसमें अर्थिंग रहता है, बार बार रगड़ खाने की वजह से बहुत सी बार हीटिंग की वजह से लूज हो जाती है, यहाँ आगे टच हो जाती है, तो इस वजह से आपकी बैटरी फॉल्ट हो सकती है या आपकी वायरिंग जो है वो भी फॉल्ट हो सकती है। अभी आपको ये टेस्ट लैंप है, इसका एक वायर हमने प्लस में लगा दिया, ये बैटरी पे जैसे ही टच कर अर्थिंग आ रहा है, बॉडी पे भी जहाँ भी टच करेंगे अर्थिंग आएगा, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रही है। ये हमने इसे सीट पे टच किया, ये हिलती रहती है, ये देखिए ये बैटरी, ये जो सीट है ये दिख रहा है, यानी कहीं भी आप सीट पे टच करो लैंप जो है जल रहा है, यानी इसका अर्थिंग ऑलरेडी है। अगर आपने पॉजिटिव टर्निबल इसको ठीक से अगर कवर नहीं लगाया तो आपकी गाड़ी में बैटरी फॉल्ट, वायरिंग फॉल्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो इसका ख़ास तौर से ध्यान ज़रूर दें। ये देखिए कैसी हालत हो गई इस बैटरी की, तो ये खड़ी गाड़ी में हुआ था, आपके साथ भी ऐसा ना हो इसलिए उस कवर का ज़रूर ध्यान दें, और हो सके तो उसके ऊपर रबड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ज़रूर रख दें। कवर अगर ख़राब होता है तो आप रबड़ का टुकड़ा भी रख सकते हो, ताकि आपकी बैटरी बची रहे और वायरिंग ठीक ठाक रहे।